बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल आफिया नूर। तो आज हम बना रहे हैं मटर बिरयानी, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। मटर बिरयानी बनाने के लिए हमने मटर के दाने लिए हैं और हमने चावल लिए हैं, प्याज लिया हमने दो बड़े कटे हुए, अदरक लहसुन लिया है हमने कुटा हुआ, हरी मिर्च लिए हमने बारीक कटी हुई, नमक लिया है स्वाद अनुसार और हमने थोड़ा गर्म मसाला लिया है और इसमें डालेंगे थोड़ा बिरयानी मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे और उसमें प्याज को डालेंगे। प्याज को हम हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। प्याज को भूनने में करीब 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। 2-3 मिनट बाद अब हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला और डालेंगे हरी मिर्च। इन्हें डालकर अच्छे से चलाएंगे और करीब 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे। तो 2-3 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे मटर के दाने। मटर के दाने डालकर इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। पानी को डालने से मटर के दाने ऊपर चटक के नहीं आएंगे और अब हम इसमें डालेंगे नमक। और अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावलों को डालकर इसमें हम दही डालेंगे। दही को डालकर अब हम इसमें पानी डाल देंगे। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला डालकर इसे चलाएंगे और इसे ढक्कन ढककर 10 से 15 मिनट के लिए हम पकने देंगे। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं और मटर बिरयानी बनके तैयार है। अब हम इसे चलाएंगे और इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया को डालकर इसे मिक्स करेंगे और ढककर इसे करीब 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी मटर बिरयानी बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।